नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि बहल। 5 जुलाई 2020 को इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। ये ग्रहण जो है ये धनु राशि में बन रहा है। धनु राशि में गुरु जो है वो भी वापस आ गए हैं। चंद्रमा के साथ साथ केतु तो है ही है धनु राशि में। ये ग्रहण जो है वो 19 डिग्री का पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। मिथुन राशि जो कि इस ग्रहण का हिस्सा है, वहाँ पे बुध है, सूर्य है और राहु भी है। ये ग्रहण जो है वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन बन रहा है। 18 साल में ऐसा कॉम्बिनेशन आता है जब ग्रहण जो है वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन होता है, और चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा वाले दिन ही होता है। गुरु जुपिटर जो कि कारक है विजडम का, जो कि कारक है गुरु का, गुरु से मतलब टीचर, सिर्फ टीचर ही नहीं, हमारे जीवन में जो हमारे गुरु रहे हैं या जो गुरु समान लोग हैं, जैसे कि हमारे फादर या बड़े भाई या ऐसे कोई घर के बड़े जो कि जो हमेशा हमें गाइड करते रहे हैं और जो हमेशा हमें एडवाइस करते हैं, तो ये कनेक्शन कहाँ मैं इस्टेब्लिश कर रही हूँ, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रही हूँ मैं जुपिटर से। जुपिटर जो है वो अभी एक्लिप्स का ग्रहण का हिस्सा बना हुआ है। अब क्या होगा कि जो गुरुओं की एडवाइस है वो हम नहीं लेंगे या उसको हम पॉजिटिव तरीके से नहीं लेंगे। सो ऐसा प्लीज मत करिए, क्योंकि ये जो गुरुजन है ये हमेशा हमारी भलाई के लिए ही हमें एडवाइस करते हैं, तो इनकी एडवाइस को प्लीज इग्नोर या निग्लेक्ट मत करिए। और इस दिन अपने गुरुजन को, अपने जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, उनको जरूर याद करें, उनको जरूर सम्मानित करें। ये ग्रहण जो है वो US में खास करके दिखाई देगा, और इसका जो है US में इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि जुपिटर जो कि एडवाइजर हैं वो ग्रहण का हिस्सा है और रेट्रोग्रेड भी है। अब क्या होगा इन US स्पेशली जो एडवाइजेस ली जाएंगी या जो एडवाइजेस दी जाएंगी वो इतनी पॉजिटिव नहीं होंगी। ग्रहण का जो असर होता है वो अक्सर पॉलिटिकल सिस्टम पे या जो लोग पावर में होते हैं उन पे ज़्यादा होता है। और जैसा मैंने पहले के वीडियो में भी आपको, जब मैं चंद्र ग्रहण की बात कर रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि चंद्र ग्रहण का जो रिजल्ट होता है वो एकदम इंस्टेंट होता है। चंद्र ग्रहण जो एकदम ट्रिगर करता है सिचुएशन को, तो क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं US में, जो लोग पावर में हैं, जो पॉलिटिकल पावर में हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो ऐसे डिसीजन लेंगे जो कि कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं होंगे, जो सही एडवाइस को इग्नोर कर देंगे, निग्लेक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट कंट्री में जो है, देश के अंदर एक फियर का एटमोसफेयर रहेगा, एक डर का माहौल रहेगा, एक अनसर्टिनिटी जो है वो ज़्यादा होगी। ऑल्सो ये ग्रहण जो है US की इंडिपेंडेंस डे के काफ़ी पास में पड़ रहा है, और ये साल जो है वो US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए का भी साल है। सो अभी की जो सिचुएशन है, इमीडिएटली आफ्टर दिस एक्लिप्स US को थोड़ा संभल के रहना है, सही डिसीजन लेने हैं। हो सकता है कोई स्कैंडल हो सकता है कुछ अनफेवरेबल अनफोर्सीन सिचुएशन हो, जिसके कारण कि लोग जो है, जो वहाँ के लोग हैं वो ज़्यादा परेशान। 5 जून को जो ग्रहण पड़ा था उसमें मैंने आपसे कहा था कि चंद्र इस ग्रहण का असर मौसम पे देखने को मिलेगा, जो कि हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। चंद्रमा जल का कारक होता है, चंद्रमा हमारे इमोशंस का, हमारे माइंड का भी कारक होता है। ये जो ग्रहण है ये पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का जो स्वामी है वो शुक्र है, और उसके जो देवता हैं, जो डेटी हैं, वो अप्पा है। उनका भी कनेक्शन जल से, पानी से होता है। अब क्या होगा, हम लोगों का जो है इसका, इस पूरी सिनेरियो का जो हम पे इम्पैक्ट होगा वो हमारे इमोशंस पे होगा। हम जो है इमोशनली ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, इमोशनली जो है ज़्यादा प्रेशराइज फील करेंगे। उसके लिए सबसे सही चीज़ है कि हम मेडिटेशन करें ऐसे टाइम पे। हम जो भी देवता को, जिस भी गुरु को मानते हैं, क्योंकि ये गुरु पूर्णिमा वाला दिन है, जिस भी गुरु की आप आराधना करते हैं वो ज़रूर करें, जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो ज़रूर करें। ऐसा कुछ करें जिससे कि आपका मन शांत हो, प्रेशर में आके कोई गलत डिसीजन ना लें, अपने आप को प्रेशराइज भी फील ना करें। ग्रहण वाले दिन दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो सूतक लगने से पहले कोशिश करें कि आप जो है इस दिन कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें। सो मेडिटेट, डू सम चैरिटी, Stay positive and take care of yourselves.